सो फिलहाल कुछ ऐसा हाल है दहिसर चेकनाका का, ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है, लोगों ने शायद दफ्तर जाना बंद कर दिया है एंड पीपल आर टेकिंग कोरोना वायरस का जो भी इफेक्ट है वेरी सीरियसली इन इंडिया। अदरवाइज़ आपको पता है दहिसर चेकनाका पे कितना सारा ट्रैफिक होता है हमेशा। सो गुड इनिशिएटिव, पीपल आर अवेयर एंड पीपल आर एक्टिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक इतना कम है कि मैं दहिसर चेकनाका से लेके मलाड़ तक 10 मिनट में आया, ओनली 10 मिनट्स। मैं 8:20 को दहिसर चेकनाका पे था और 8:30 को मलाड़ पहुंच चुका हूँ। थोड़ा जोगेश्वरी अंधेरी में ट्रैफिक मिला अभी, अदरवाइज़ ट्रैफिक अभी तक नहीं था। यहाँ थोड़ा स्लो हो गया अभी सब कुछ, एयरपोर्ट भी पहुँच गया। अप्रॉक्स 20-22 मिनट्स में हम लोग एयरपोर्ट भी पहुंच गए अभी। सो 8:20 को हम लोग दहिसर चेकनाका पे थे और अभी टाइम हो रहा है 8:48, मतलब ऑलमोस्ट 28 मिनट में 30 मिनट्स अप्रॉक्स हम लोग बांद्रा पहुंच चुके हैं। काफ़ी खाली था रास्ता, बांद्रा पहुंच चुके। सो बेसिकली मुझे जाना है फोर्ट, करिश्मा के ऑफिस, उसको ड्रॉप करने। सो बलाड़ स्टेट फोर्ट जाने के लिए हम लोग लेंगे धारावी वाला रास्ता और वाया दादर एंड मुंबई से होते हुए हम लोग बलाड़ स्टेट जाएंगे। लेट्स होप वहाँ धारावी वगैरह मुझे ट्रैफिक मिले नहीं। तो ये है धारावी का एरिया, राइट और लेफ्ट दोनों साइड। यूजुअल डे से यहाँ आज कम ट्रैफिक है और एक एम्बुलेंस यहाँ थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई है। दादर वाले रोड पर आ चुके हैं। सो अभी पहले हम लोग दादर पहुँचेंगे, फिर दादर के बाद हम लोग मुंबई सेंट्रल की साइड जाएंगे और फिर मुंबई सेंट्रल से हम लोग जाएंगे डोंगरी, क्योंकि ऊपर जे फ्लाईओवर पे बाइक अलाउड नहीं है तो हम लोगों को नीचे से जाना पड़ेगा। और ये हम लोग आ चुके हैं मुंबई सेंट्रल के एरिया में। राइट साइड जाएंगे तो मुंबई सेंट्रल आ जाएगा, सीधा पड़ रहा है हमारा डोंगरी और नागपाड़ा, और ये नागपाड़ा है। अब आएगा जे फ्लाईओवर जिस पे बाइक्स अलाउड नहीं है, सो हम लोगों को नीचे से डोंगरी से ही होते हुए जाना पड़ेगा। और यहाँ है मेरे लेफ्ट में जे हॉस्पिटल, बहुत ही वेल नोन हॉस्पिटल है।
अब मेरे लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो जाता है डोंगरी पे, और मेरे राइट वाला जो रास्ता है वो जाता है भिंडी बाज़ार। बहुत ही फेमस एरिया है दोनों, काफ़ी नाम सुने होंगे आप लोगों ने। और सामने दिख रहा है शालीमार, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ का फालूदा बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे सिग्नल लगता है शायद ही कोई फॉलो करता है, कोई भी कहीं भी चलाता है। ये देखो, सो ये मोहम्मद अली रोड यहाँ पर है पीछे। रमज़ान के टाइम पे यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, खाने पीने के लिए इतना सारा कुछ होता है यहाँ पे। सिग्नल तो यहाँ पे पता नहीं क्यों रखे, रखो ही मत, कोई फॉलो ही नहीं करता वैसे भी। इसको बोलते हैं बॉम्बे, जो पहले बॉम्बे बोलते थे अब मुंबई है। मेरे लेफ्ट साइड में आएगा अब मनीष मार्केट, जो कि अब बंद कर दिया है जब तक फर्दर नोटिस, जब तक ये कोरोना का सीन ख़त्म नहीं होता तब तक सब कुछ बंद करके रखा हुआ है। अच्छा है, सारे बड़े बड़े मार्केट्स बंद है। ये देखिए, ये है मनीष मार्केट। अब हम लोग CST पहुंचने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। आज भीड़ कम है। आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए अंडर द स्काई। बताइए मुझे आपको कैसा लगा ये वीडियो, मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। कभी ये एरिया इतना खाली देखा है वीकडे में?